सिंचाई की बात करते हैं तो उसमें हमें मुख्य रूप से तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जल की मात्रा, इरिगेशन या सिंचाई देने का समय, और तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सिंचाई की विधि। अभी हम जो सिंचाई जिस तरीके से जनरली करते हैं, जो फार्मर के खेत में प्रचलित हैं, वो जैसे क्यारी बना के सिंचाई करना, वाटर स्ट्रिप इरिगेशन देना या फरो सिंचाई करना, इन तीनों चारों जो सतही इरिगेशन की जो किस्में हैं, जो सिंचाई की जो तरीके हैं, इसमें जल की उपयोग दक्षता बहुत कम है। साथ ही में जो पोषक तत्व हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द फील्ड वो सही से नहीं होता है। पोषक तत्व और जल, सिंचाई जल की दक्षता बढ़ाने के लिए हमारे पास सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम एक ऐसा विकल्प है जिससे ये दोनों बढ़ सकते हैं। तो सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम को अगर हम हिंदी में कहें तो वो अधोसतही टपक सिंचाई एवं फर्टिगेशन सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम जल और पोषक तत्व सीधे तौर से पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए हम छिद्र युक्त और ड्रिप युक्त ट्यूबें होती हैं, उसके द्वारा हम जल और पोषक तत्व दोनों पौधे की जड़ तक पहुंचा देते हैं डायरेक्टली, और जिससे जो जल की क्षति या पोषक तत्वों की क्षति, उर्वरकों की क्षति नहीं होती है। और इस विधि से सिंचाई करने से ऊपर की सतह, जमीन की ऊपर की सतह वो सूखी रहती है, जिसकी वजह से खरपतवार या अन्य बीमारियों का जो प्रकोप है वो भी कम होता है। जनरली हम जो सतही इरिगेशन के जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, उसमें हम 5 से 6 सेंटीमीटर पानी पर सिंचाई लगाते हैं। 5 से 6 सेंटीमीटर का मतलब 5 से 6 लाख लीटर पानी हम प्रति सिंचाई खेत में लगाते हैं, वो चाहे गेहूं हो या मक्का हो या धान हो। तो ये जो पानी है इसकी ये मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन से पानी लगाएं तो इसकी जो मात्रा है बहुत कम हो सकती है। तो जिस खेत में हम लोग खड़े हैं, इस खेत में हमने सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। ये ICAR से NASF प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। IRM में ये 1 हेक्टर एरिया में सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है। 1 एकड़ एरिया डायरेक्ट सीडर धान और गेहूं सिस्टम के लिए किया है, और दूसरा मक्का गेहूं सिस्टम के लिए किया गया है। एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है, और ड्रिप से ड्रिप की जो दूरी है, जो उन ट्यूब में छिद्र हैं उन छिद्रों की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर रखी गई है। और ये दो जो लेटरल ट्यूब्स हैं ये ज़मीन की ऊपरी सतह से निचली सतह में 20 सेंटीमीटर पर इनको स्थापित किया गया है। इसके जो सिस्टम के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जो इसके मुख्य घटक हैं, वो हैं, एक तो हमारे पास ट्यूबवेल होना चाहिए, वाटर का सोर्स होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए टैंक चाहिए। टैंक के बाद फिल्टर सिस्टम, उसके बाद एक फर्टिगेशन टैंक की ज़रूरत पड़ती है, वेंचुरी की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में इसके आगे हमने मेन पाइप्स लगाते हैं, फिर उसके बाद सब मेन पाइप लगाते हैं, और उसके बाद हम इसमें लेटरल बिछाते हैं। तो इस सिस्टम को लगाने के लिए हमने सबसे पहले जो हमारी लेटरल्स थी उसको भूमि की सतह पर स्थापित किया, उसके बाद सिस्टम को चला के देखा। जब हमने देखा कि ये सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसमें बराबर पानी जितना चाहिए उतना निकल रहा है ड्रिपर से, तो उसके बाद हमने कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्रॉन कल्टीवेटर से पहले उसमें लाइनें खोदी, उसके बाद कसोला से उन लाइनों को हमने खोद के उसकी मिट्टी बाहर निकाल के, उसके बाद फिर हमने ये लेटरल जो है 20 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन में उसको स्थापित कर दिया। जो हमारी खरीफ की जो फसलें हैं, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होती हैं, और हमें रबी की फसल लगाने के लिए बहुत कम समय मिलता है, तो किसान जनरली उसमें प्लेवा करते हैं, और प्लेवा करने के बाद खेत जो है हमारा 10 से 15 दिन ले लेता है बदतर कंडीशन आने में, तो हमारा 10 से 15 दिन का नुकसान हो जाता है, हमारी फसलें लेट हो जाती हैं। लेकिन अगर हमने सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम लगाया है तो बुवाई के तुरंत बाद हम उसमें सिंचाई कर सकते हैं। आप सूखे में बुवाई कर दें, उसके बाद ये ड्रिप सिस्टम से हल्की सिंचाई कर दें, कोई उसमें दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, और फसल की जो बिजाई का जो अंकुरण है वो अच्छे से होगा, फसल भी अच्छे से होगी। प्रति हेक्टर इस सिस्टम की जो लागत है 1.5 से 2 लाख तक आ जाती है। जो हमारा नॉर्मल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या टपक सिंचाई सिस्टम है, उससे सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम में 50,000 की लागत ज़्यादा आती है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है, इसमें जो हमारा भूजल है उसका जो दोहन है वो कम हो जाता है, और जल की उपयोग दक्षता बढ़ जाएगी। साथ ही में जल की जो सेविंग है तकरीबन 50 से 70% तक देखी गई है। उसके साथ ही जो पोषक तत्व हैं,
अगर हम डायरेक्टली फर्टिगेशन सिस्टम से जड़ में ही पहुँचा रहे हैं तो उसकी उपयोग दक्षता भी बढ़ जाती है, तकरीबन हम आधी मात्रा उसमें सेव कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन में जो खर्चा लगता है, जो मैंने बताया 2.5 से 2 लाख तक, वो तीन साल के अंदर अंदर उसमें रिकवर कर लेते हैं। ये किसान भाइयों के लिए इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है तकरीबन 45% मिलती है और राज्य सरकारें भी इस पे सब्सिडी देती हैं। तो किसान किस किस्म का है, कौन सा किसान है, स्मॉल फार्मर है, मार्जिन फार्मर है, या जनजाति या अनुसूचित जाति का है, तो ये सब कुछ देखते हुए अधिक से अधिक 90% तक सब्सिडी इस सिस्टम में, टपक सिंचाई में उपलब्ध है।